everyone, welcome back to Recipes Tried and True. I hope you all are doing well and staying safe at your home. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि गर्मियों का मौसम है और गर्मियों में आइसक्रीम नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, तो आज मेरी किचन में बनने जा रही है एक बहुत ही टेस्टी और डिफरेंट तरीके की आइसक्रीम, जो कि है टेंडर कोकोनट कुल्फी। इसके लिए हमें सबसे पहले कोकोनट का वाटर जो है उसे निकाल लेना है, साथ ही में जो कोकोनट की क्रीम होती है और यू कैन से मलाई होती है उसे लेना है। सबसे पहले मलाई को चॉप करना है एक ग्राइंडिंग जार में, और उसके बाद हमें इसमें ऐड करना है कोकोनट वाटर और उसका एक बहुत ही अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना है, और उसे एक बोल में निकाल के रख लेना है जो कि हम आगे यूज़ करेंगे। साथ ही में एक कढ़ाई लेंगे और उसमें हम मिल्क को बॉईल करने रखेंगे। यहाँ पे जो है मैंने 1 लीटर का फुल फैट मिल्क लिया है और जो दूध की मलाई होती है वो भी नहीं निकाली है। दूध को हम बहुत ही अच्छे से एक बार बॉईल करेंगे और जब एक बॉईल आ जाए तो हम फ्लेम को लो टू मीडियम रख के बहुत ही अच्छे से इसे पकने देंगे। हमें दूध को तब तक पकाना है जब तक कि जो मलाई है वो साइड्स में ना लगने लगे और जो दूध है वो थिक होना स्टार्ट हो जाए। जब दूध 50% रह जाए तो हम इसमें डालेंगे कोकोनट का पेस्ट जो कि हमने ग्राइंड करके स्टार्टिंग में बनाया था, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है और बहुत ही अच्छे से बॉईल करना है। जैसे 5 to 10 minutes बॉईल होते हो जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो मिल्क है वो काफ़ी थिक होने लगा है और जो हमने पल्प डाला है वो भी बहुत थिकनेस दे रही है आइसक्रीम बनाने के लिए। 10 मिनट्स बाद हम देखेंगे कि दूध का जो पानी है वो ऑलमोस्ट सूखने लगेगा और वो काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी की आ जाएगी। तो अब हमें ऐड करना है चीनी मिठास के लिए, बट इस वीडियो में मैं चीनी को जो है रिप्लेस करने वाली हूँ स्टीविया से, जो कि एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव होता है शुगर का और बिल्कुल शुगर लाइक स्वीटनेस देती है। यहाँ पे मैंने लिक्विड स्टीविया यूज़ किया है जिसके अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 ड्रॉप्स ही बहुत सफिशेंट होते हैं, और स्टीविया जो है चीनी से बहुत ही ज़्यादा मीठी और हेल्दी भी होती है। साथ ही में आप चाहें तो स्टीविया को लिक्विड फॉर्म की जगह इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि दूध जो है बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का आ गया है फॉर मेकिंग द आइसक्रीम। इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे और आइसक्रीम मोल्ड्स में सेट होने के लिए रख देंगे। इसी तरीके से हम प्रिपेयर किए हुए मिल्क को सारे आइसक्रीम मोल्ड्स में डालेंगे और सेट कर देंगे। अब हम इसे कवर करेंगे एक एल्यूमिनियम फॉइल पे, जिससे कि आइसक्रीम जो है बाहर ना निकले, और नाइफ की हेल्प से हम थोड़ा सा इसमें एक मार्क बनाएंगे जिससे कि हम इजीली इसमें स्टिक डाल सकें, क्योंकि कुल्फी है तो कुल्फी के लिए हमें स्टिक से ही इसे होल्ड करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसे ऐसे ही जमा सकते हैं और उसके बाद अकॉर्डिंगली कट कर सकते हैं। एक वुडन स्टिक लेंगे और उसको बीच में लगा देंगे जिससे कि जब हम इसे डीमोल्ड करें तो बिल्कुल ही जो है ये कुल्फी की शेप की और कुल्फी की फीलिंग आए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सारी स्टिक्स को भी असेंबल कर दिया है, और अब मैं इसे रखूंगी फ्रीज होने के लिए करीब 8 to 10 hours, और आफ्टर 8 to 10 hours हम देखेंगे कि जो आइसक्रीम है बहुत ही अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम करेंगे इसे डीमोल्ड। डीमोल्ड करने के लिए एक पानी में थोड़ा सा मोल्ड को हम गीला कर लेंगे और ऐसे रोटेट करते हुए निकालेंगे। टैंटन, तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से टेंडर कोकोनट आइसक्रीम घर पर ही बनकर रेडी है। इसे गार्निश करेंगे कुछ डेसिकेटेड कोकोनट से और ड्राई फ्रूट से, और सर्व करेंगे और एंजॉय करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है इस आइसक्रीम की कि ना तो इसमें कोई भी एडिशनल फ्लेवर है और ना ही इसमें शुगर है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ जल्द ही एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।